5.2 क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों यानी बॉक्स के पदों को ज्ञात करना है। नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह तोमर, आपका सिर्फ ऑनलाइन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। सवाल देखते हैं, यहाँ पर हमारे ये खाना गायब है, कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी दूसरा पद गायब है। वह पद को हम ज्ञात करते हैं, तो कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं A1 हमारा कितना है? 2 है। बोले अब हमारे पास दूसरा है नहीं है, तीसरा पद है, तो हम यहाँ लिखते हैं A3। A3 कितना है? तो A3 हमारे पास 26 है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि A3 का सूत्र क्या लिखते हैं? A+2D, यानी एक माइनस करके रख देने का। जैसे अपना ये सूत्र था ना, An = A+N-1×D। हम यहाँ पर n हमारे पास कितना है? 3। 3 में से यहाँ पर एक घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। सीधा सिंपल एक कम करके यहाँ लिख देने का है, लिख दिया है। अब हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं A3 हमारे पास जो दिया हुआ था, तो क्या दिया है? A3 हमारे पास 26 है, तो A3 26 लिखा और A = 2 लिखा, और यहाँ लिखते हैं कितना डी है? 2D। अब ध्यान से देखना है, हमने यहाँ पर A की कीमत कितनी लिखी है? 2 लिखी है, क्योंकि यहाँ पर 2 दिया हुआ है। अब यहाँ लिखते हैं 26, इधर आता है तो ये हो जाता है माइनस, ये हो जाता है 2D। अब 26 में से 2 घटाते हैं तो कितना बचता है? 24। ये यहाँ पर गुणांक में है तो इधर किस में आ जाएगा? भाग में, बराबर D। तो D बराबर हमारा कितना आया? 12 आया। इस तरह से हमने ये ज्ञात कर लिया है। अब हम अगला देखते हैं। अगला सवाल है, कौन सा सवाल है? दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल देखते हैं, ये खाना गायब है और ये 13 लिखा है, और यहाँ पर खाना गायब है और ये लिखा है 3। जब भी ऐसा, यानी पहला पद गायब हो, तब हमारे पास दो सूत्र हैं, उनमें दोनों में से मैं आपको सरल लगे इस तरह से बताता हूँ। यहाँ पर देखो, हमारे पास A2 दिया है, बराबर A2 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? A2 का क्या सूत्र होगा? एक माइनस कर दो तो उतना डी लिखने का, एक कम किया यानी दो में से एक गया तो एक डी इस तरह से लिखते हैं। ओके, बराबर हमारे पास कितना है? 13। इसी तरह से हम, अब कौन सा पद दिया है? चौथा पद, तो A4 दिया है, तो कितना दिया है? तो A4 का सूत्र क्या होगा? कितना डी है ये? हाँ, तो एक कम कर दो तो यहाँ हो जाएगा 3D, बराबर कितना हो जाएगा? 3 दिया है। ओके, ऐसे कर देने का, यहाँ लिखने का है घटाने पर थोड़ा एक लाइन छोड़ देने का, यहाँ पर निशान चेंज करते घटाते हैं, तब ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, 13 में से 3 गया तो कितना बचा? तो 10 बचा। अब -3D में से 1D घटाते हैं तो कितना D बचेगा? 2D। पर कैसा, माइनस का के प्लस का, तो बड़ी संख्या माइनस की है, इसके नीचे वाला निशान हम ध्यान देते हैं, तो माइनस की बड़ी संख्या इसलिए माइनस, और A में से गया तो 0। अब हम क्या करते हैं, 10 ये कहाँ चला जाएगा? भाग में चला गया। तो अब हम यहाँ पर करते हैं D बराबर -2 से भाग देते तो -5 आता है A, और हमारे पास अभी यहाँ पर क्या आया है? D आया है। अब हमको A ज्ञात करना है, तो A ज्ञात कर, या ये वाला सूत्र है या कोई भी, तो आपको इस सरल ये पड़ेगा, तो हम यही लेते हैं। बोले A2 क्या सूत्र क्या दिया गया है? A+D = 13। अब यहाँ पर लिखेंगे D = -5 रखने पर, अब यहाँ पर लिखते हैं A की जगह पर A और D की जगह पर -5 = 13। अब A -+-13, इस तरह से A = 13 - 5, तो कितना हो जाता है? A = ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस, A = 13 और 5 = 18। इस तरह से A = कितना आया? 18 आया। अब हमको बाकी के पद ज्ञात करना है, तो पहला A1 हमको मालूम पड़ गया कितना आया? 18। अब हमको तीसरा पद ज्ञात करते हैं, तो तीसरा पद का सूत्र क्या है? तीसरा पद का सूत्र है A+2D, बराबर इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। A कितना है? A हमारे पास है 18 और 2D = कितना आया? 5। तो इस तरह से 18 माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस आता है, 2 × 5 = 10। इस तरह से हमको 18 में से 10 गया तो 8 प्लस का आता है, प्लस का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है, A3 हमको आ गया। इस तरह से हमारे ये वाला सवाल पूरा होता है।
तो हम तीसरा सवाल देखते हैं। तो और आप वीडियो देखना चाहते हो तो आई कार्ड पर से देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन पर पूरी प्लेलिस्ट की लिस्ट दी गई है, आप वहाँ से जाके कोई भी वीडियो देख सकते हैं अथवा तो एंड स्क्रीन पर देख सकते हो। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिस तरह आपको इस तरह से वीडियो मिलते रहें। अगला देखते हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर A1 तो दिया है, पहला पद कितना है 5। अब हमारे पास कितना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद दिया है A4। A4 हमारा कितना दिया है 9 सही 1/2। अब A4 का सूत्र क्या होता है बोलिए, तो A4 का होगा A+3D, यानी एक माइनस करके बोल लेना है। ये 9 × 2 = 18 और 1 = 19, यानी 9 का 2 का गुणा 9 से किया था, 2 × 18 और 1 = 19/2। अब यहाँ पर देखते हैं A बराबर हमारे पास क्या दिया है, ए बराबर हमारे पास दिया गया है 5। यहाँ लिखते हैं 3D = 19/2, यहाँ लिखते हैं 3D = 19/2, ये उधर जाता है तो ये हो जाता है माइनस का, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में एक होता है। अब यहाँ पर गुणा करते हैं 2 का हर समान करने के लिए, तो यहाँ लिखते हैं 3D, यहाँ हो जाता है 2 = 19, यहाँ हो जाता है कितना 10 हो जाता है, 5 × 2 = 10। इस तरह से हम यहाँ लिखते हैं D बराबर कितना बचता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 बचता है / 2, ये गुणांक में है, इधर जाएगा तो भाग में, पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं 3 से काटते हैं 3 * 9 = 2, तो D बराबर हमारा आया 3/2। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, पहला पद हमको मालूम है, दूसरा पद मालूम है, अब हम ज्ञात करते हैं A2। A2 का क्या सूत्र है, तो A+D, ओके A+D है, तो हम यहाँ पर A बराबर हमारा कितना है, तो A बराबर हमारे पास 5 है और D बराबर हमारे पास क्या है मालूम है, तो D बराबर हमारे पास 3/2 आया, D बराबर 3/2 आया। इसी तरह से हम डायरेक्ट कर देते हैं, 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 13, 13/2 हो गया। अब हम ज्ञात करते हैं A3। A3 का क्या सूत्र है, तो A3 का सूत्र है A+2D। हम यहाँ लिखते हैं A बराबर हमारा कितना था, A बराबर हमारा 5 है और 2 लिख दिया और D बराबर हमारे पास 3/2 आया, इससे ये कट गया, 5 और 3 = 8, A3 हमारा कितना आया तो 8 आया और A2 हमारा 13/2 आया। इस तरह से हमारा ये सवाल पूरा हो जाता है। अब हम चौथा सवाल देखते हैं, तो चौथा सवाल देखें, चौथा सवाल में क्या दिया है, -4 और यहाँ कोष्टक है, तीसरा पद भी गायब, चौथा पद भी गायब, पांचवा पद भी गायब और छठा पद दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पर देखें, पहला पद दिया है, दूसरा नहीं दिया है, तीसरा नहीं दिया, चौथा नहीं दिया है बरोबर, और पांचवा भी नहीं दिया है, छठा दिया है 6। अब यहाँ पर हम देखते हैं, तो A1 हमारे पास है -4, अब हमको ज्ञात करना है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, तो A6 का क्या सूत्र होता है, A+5D, यानी 5D। अब इसका सूत्र क्या होता है मालूम, बोले 1 घटा 2, तो 5D ये सूत्र लिखा ही हुआ है हमारे पास, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 6, यहाँ लिख देते हैं A हमारे पास -4 है और 5D का 5D, ओके। अब हम यहाँ लिखते हैं A, ये 6 लिखा है, तो यहाँ इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है प्लस का, यहाँ हो जाता है D, यहाँ हो जाता है 10, ये बट्टे में 5 आ जाता है क्योंकि गुणांक का है निशान, इधर आएगा दो भाग में, और यहाँ D लिख देते हैं, D बराबर हम 5 से भाग देते तो कितना आता है 2 आ जाता है। इस तरह से D बराबर कितना आया, 2 आया है। अब यहाँ पर अगला देखते हैं, यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ तो हमने देखा कि यहाँ D बराबर हमारा कितना आया है, अगर यह कट जाता है तो देखें यहाँ पर भी। अब हम याद करते हैं दूसरा पद, तो A2 बराबर कितना होता है, A+D, तो A बराबर हमारे पास कितना था, A बराबर हमारे पास -4 था और D बराबर कितना आया, 2 आया, कितना बचता है, तो ये -2 बचता है। A3 देखते हैं, तो A3 A+2D होता है, A कितना है -4 प्लस 2, D बराबर कितना दिया है, तो D बराबर 2 दिया है। आप देखेंगे 4 का 4 = 2, ये -4 है और ये हो जाता है 4, बराबर कितना आता है 0।
अब हमारे पास ए आ गया 2, 3 अब 4। A4 ज्ञात करते हैं, A4 A प्लस कितना D होता है 3D, A की जगह पर हमारे पास -4, यहाँ लिखते हैं 3D = 2। यहाँ देखते हैं माइनस का 4, 3 × 6, प्लस का कितना आ जाता है 2, A4 कितना आया 2। अब दूसरा तीसरा चौथा भी ज्ञात हो गया, पांचवा ज्ञात करते हैं A5 = A + 4D बराबर। तो यहाँ लिखते हैं A की जगह पर माइनस का 4 प्लस यहाँ लिखते हैं 4 और D = 2। तो यहाँ देखेंगे कितना आता है माइनस का 4 और ये 4 × 8 कितना हो जाता है प्लस का 4। घटाते हैं क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का आएगा। इस तरह से ये भी सवाल पूरा होता है। अगला सवाल देखते हैं, अब हम पांचवा सवाल देखते हैं। A पहला पद गायब है, दूसरा पद दिया है, तो A2 कैसे लिखते हैं। A2 हम लिखेंगे कि कितना एक डी कम कर देने का है, तो दो में से एक गया तो एक डी बराबर कितना है 38। इसी तरह से हम यहाँ पर लिखते हैं A6 पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा हुआ दिया है, तो A प्लस कितना 5 में से एक गया और 6 में से एक गया तो 5 डी आया, वो कितना आता है माइनस का 22। यहाँ लिखते हैं बराबर घटाने पर, लिखते हैं क्या घटाने पर, तो निशान चेंज कर दो, ये हो गया माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब नीचे वाला निशान देखते हैं तो जुड़ेगा दोनों, तो इसे हो जाता है 60। यहाँ देखेंगे 5D में से 1D घटाते हैं तो माइनस का 4D बचता है, A में से ये घटा दो तो 0 हो जाता है। D = 60, ये इसके बट्टे में आ जाता है माइनस का, तो D = हमारा कितना आया माइनस का 15 × 60 हो जाता है। अब हम ज्ञात करते हैं A1 पहला पद कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं समीकरण नंबर, ये हमारा 1 है ये 2 समझने का, समीकरण नंबर 1 में D = -15 रखने पर, इस तरह से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, अथवा तो ये सूत्र लिख कर डायरेक्ट नीचे लिख सकते हो, A + D = -15 और यहाँ पर कितना दिया है 38। ओके, ए प्लस माइनस तो ये हो जाता है माइनस का 15 और यहाँ हो जाता है 38। तो यहाँ लिखेंगे A = 38, ये उधर जाता है तो प्लस का 15 हो जाता है, तो हमारे पास A = कितना आया 8 और 5 13, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, A = आया 53। अब यहाँ ज्ञात करते हैं हम यहाँ ज्ञात करते हैं, तो A1 हमारा कितना आया है 53 आया है। A2 ज्ञात करते हैं, तो A2 क्या है, A2 तो दिया हुआ है। A3 ज्ञात करते हैं, ये गायब है तो A + 2D लिख देते हैं। ओके, यहाँ लिखते हैं A = हमारे पास 53 आया है और प्लस 2 और D की जगह पर माइनस का 15 आया है, तो माइनस का 15 बराबर कितना होता है 53 प्लस माइनस, तो ये हो गया माइनस 15 × 30 बराबर। यहाँ लिखते हैं 53 और ये माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस का 15 × 30 हो जाता है। इसी तरह से हम A3 को ज्ञात करते हैं, तो 3 में से 0 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, A3 = हमारा कितना आया 23। A4 ज्ञात करते हैं, तो A+ कितना D, तो 1 कम कर दो 3D, A = हमारा 53, यहाँ D लिखा है, D है तो कितना लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं माइनस का 15, तो 53 इसका गुणा ऐसे कर देते हैं 15 × 3 = 45। ओके, घटा देते हैं तो A4 कितना आता है हमारा 13 में से 5 गया तो यहाँ आ गया 8, यहाँ रह गया 4, 4 में से 4 गया तो 0, A4 8 आया। A5 ज्ञात करते हैं, तो A + 4D, A की जगह पर 53, यहाँ 4 की जगह 4, यहाँ 15 बराबर, यहाँ लिखते हैं 53 15 × 15 = 60। ओके, 60 हो जाता है, तो अब माइनस का आता है कि प्लस का, तो माइनस का आंसर आएगा, तो यहाँ इसमें से घटाते हैं 60 में से 53 घटाते हैं तो कितना आता है माइनस का 7 आ जाता है। इस तरह से ये सवाल पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।